अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निंग कुरान। द लर्निंग कुरान में खुश आमदीद। बेकौन पाक की ट्रांसलेशन की सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुत तारिक की हमने 12 आयत मुकम्मल की थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी आर गोना फिनिश दिस सूरतुत तारिक इंशाअल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीका कर वही है, सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट वे के बेकौन पाक की ट्रांसलेशन। पहले वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर एज अ होल, उसके बाद उसके रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आयत के शरह नुज़ूल क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बड़े ही सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे के अंदर ट्रांसलेशन। और जिस ट्रांसलेशन के लिए जो ऐप है ये है तयस्सुरुल कुरान बाय अब्दुलरहमान केलानी। बड़े अच्छे और खूबसूरत अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कि वो कुरान हक को बातिल से अलग करने वाला है। थोड़ा सा पिछली आयात को देखते हैं जहाँ पे लपक फरमा रहे हैं। وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ذَاتِ الرَّجْعِ, قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ, ان سب کے علاوہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, यानी कि बारिश के बार बार नज़ूल और ज़मीन से नबातात के उगने का अहम अमल ये एक मरबूत निज़ाम है। कोई हंसी मजाक की बात नहीं है बल्कि एक ठोस हकीकत है। और तुम्हारे मुशाहदे की बात है कि इस तरह कुरान भी जो हकायक पेश कर रहा हो जिसे दो टोक फैसले बता रहा है वो भी ठोस हकायक पर मबनी है। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं बल्कि उन्हें पूरा हो के ही रहना है। इन्नहुम यकीदून कैदा, ये लोग एक तदबीर कर रहे हैं। व अकीदु कैदा, मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। यानी कुफार ये चाहते हैं कि ऐसी चालें चलें, ऐसी साज़िश से तैयार करें, ऐसे कारनामे सर अंजाम दें इससे कुरान की दावत को शिकस्त दी जा सके। वो अपनी फूंकों से इस्लाम की शमा को गुल करना चाहते हैं। इनके बरक्स अल्लाह भी इनके मुकाबले में एक चाल चल रहा है कि वो इस रोशनी को मुकम्मल करके रहेगा और काफिरों की किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। वाजह रहे कि अल्लाह ताला ने काफिरों की चाल या खुफिया तदबीर को लफज कई से ताबीर फरमाया है, फिर इसके रद्द अमल को अपनी तरफ मंसूब फरमा कर इसके लिए भी कई के लफज इस्तेमाल फरमाया। हालांकि अल्लाह ताला को किसी चाल या खुफिया तदबीर की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जवाब यह है कि अहले अरब का मुहावरा है कि वो किसी भी काम के रद्द अमल को इसी रफ़ा से ताबीर कर देते थे, ख्वाह वो अच्छा हो या बुरा हो। बस आप थोड़ी देर के लिए इन काफरों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए, यानी आप थोड़ी सी मुद्दत सब्र कर से काम लीजिए। कुछ मुद्दत ना गुजर पाएगी कि इन लोगों की करतूतों का अंजाम सबके सामने आ जाएगा। आम हिल हम वैदा, ढील दो थोड़ी, इनके काफरों को थोड़ी सी ढील दे दीजिए, इनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, फिर देखिए इनकी करतूतों का अंजाम अल्लाह ताला उनको देंगे खुद ब खुद। ये हमारी सुब तारीख की लास्ट आयात थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।